गोंड समाज के विभिन्न संगठनों के नेताओं द्वारा सामूहिक रूप से बैठक का आयोजन अवंतिका होटल में किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में प्रादेशिक गोंड समाज महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गोंड, विशिष्ट अतिथि के रूप में मदन मोहन गोंड व राम सहाय गोंड रहे। अध्यक्षता सीताराम गोंड ने किया और बैठक का आयोजन व संचालक छात्र नेता शिव शंकर गोंड ने किया, जिसमें गोंड समाज के जाति प्रमाण पत्र जारी न होने पर विस्तार रूप से चर्चा हुई तथा राजनीतिक हिस्सेदारी सामाजिक हिस्सेदारी पर भी बात हुई, जबकि कई तहसीलों पर जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है लेकिन कई तहसीलों पर जारी नहीं हो रहा है। बैठक में अपना अपना विचार रखते हुए प्रादेशिक गोंड समाज महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद ने कहा कि गोंड समाज का लंबित विशेष प्रकरण अति शीर्ष प्रशासन द्वारा हल किया जाए, जिसमें कि यह समाज अपने अधिकारियों से लाभान्वित हो सके। विशिष्ट अतिथि मदन मोहन गोंड ने व राम सहाय गोंड ने कहा कि गोंड समाज के संगठन को और सबल बनाया जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सीताराम गोंड ने कहा कि अतिथियों व विशिष्ट अतिथियों एवं बैठक में आए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन और आयोजन करते हुए छात्र नेता शिवशंकर गोंड ने कहा कि मुझे हर्ष हो रहा है कि कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में धुरिया गोंड समाज के लोग उपस्थित रहे व हर संघर्षों में कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प लिए। कार्यक्रम का आयोजन इसलिए हुआ कि 2002 में राष्ट्रपति द्वारा शासन के द्वारा जो शासन आदेश जारी हुए उन जाति को 13 जनपद और सूची जनजाति प्रमाण जैसा कि हमारे उड़ीसा में तो शासन प्रशासन बिना हवाले करके कुछ वर्षों में प्रमाण पत्र जारी होते रहे, लेकिन शासन प्रशासन के अधिकता के कारण कुछ वर्षों से प्रमाण पत्र गोंड जाति का नहीं हुआ। इसी मुद्दों को लेकर के हमारे समाज के लोग संगठित हुए हैं और वर्तमान की सरकार तमाम शासनादेश भी जारी किए हैं, लेकिन जिला स्तर के जो अधिकारी हैं तहसील